मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही गैर आइनी था। सीनियर माहिर कानून ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक निजी टीवी के प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून और वकील तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का कहना था कि इलेक्शन में ताखीर करने से पीडीएम की बदनीयती साफ नजर आ रही है। पीडीएम को पता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और उनको खतरा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। ये इसमें तो दो बातें हैं, एक बदनीयती है कि ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए। इस वक्त पीटीआई अभी भी पॉपुलरिटी पे है, इस वक्त इनको खतरा है कि पीटीआई इलेक्शन फिर जीत जाएगी, एक तो ये है। दूसरा मसला इनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक बहाना मिल जाए कि इसको डिले प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने का, और इस वजह से इन्होंने अच्छा ये किया। तीसरा एक रीज़न है, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है उसके मुताबिक जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होते हैं पॉलिसी डिसीजंस वो ले सकते हैं। इस वक्त पहली बात तो यह है कि वो जो केयर टेकर बैठे हैं उनका टेन्योर भी खत्म हो गया। दूसरी बात है कि दे आर नॉट इलेक्टेड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सीसीआई, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजंस वो लेने का हक नहीं रखते। वकील तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का मजीद कहना था कि आईन के मुताबिक जो मुंतखब वज़राए आला होते हैं सिर्फ वही मुश्तरका मुफादात काउंसिल में पॉलिसी के फैसले कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त निगरान वज़ीर आला मौजूद हैं और उनकी हुकूमत का दौरानिया भी खत्म हो गया है और वो मुंतखब वज़राए आला भी नहीं है, तो वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में बैठ भी नहीं सकते क्योंकि उनको पॉलिसी के हवाले से फैसले करने का हक ही नहीं है।